सर 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 मेरी ना सैलरी इनकम आती है 1,00,000 रुपए महीना, लेकिन इस बार क्या हुआ है ना, मेरा बहुत सारा टीडीएस कंपनी ने काट लिया। सर मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा परेशान हो रहा हूं, क्या इस पैसे को वापस लिया जा सकता? भैया इस बात को समझो, अगर आपकी सैलरी इनकम आ रही है ना, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो, तब आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है भाई, आप सेक्शन 80C के अंदर 1,50,000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और इसके बाद एनपीएस के अंदर एडिशनल 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसके अलावा सेक्शन 80D में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है जिसे अगर आप करते हो तो आप अपना टैक्स बचा सकते हो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, उसके अंदर हमने वीडियो बनाई हुई है कि टैक्स प्लानिंग कैसे करें सैलरी वाले लोग, आप उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं और हमारा पूरा कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर दो, उसमें 1,00,000 बैच है अभी हमने स्टार्ट करा। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू।